So, well, in last class, we have discussed how we solved this offset. Okay, now today we are going to discuss some problems that are very basic problem. If you are having a knowledge of the mathematics, then that is a very easy for you. Let us check the questions number. I will solve here only one problem. The second problem you guys will solve. Okay. So see, this is the problem number one. We are going to discuss this. Okay, check. An offset was laid out 5 degrees. Okay. From the true direction. And the scale of the map was 1 centimeter equal to 20 meter. Clear? Find the maximum length of the offset for the displacement of a point on a paper not exceeding 0.03 centimeter. Okay, displacement. On paper, not exceeding 0.03 centimeter. Clear? Let me solve. What is displacement? Displacement is this BC. ठीक है, ये आपका मैक्सिमम अलाउेबल कितना है? 0.03. क्लियर? सो लेट अस वी सॉल्व. कंसीडर दिस ट्रायंगल ABC. हियर वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ L. सो साइन 5 डिग्री मैं क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज माय BC बाय AB. ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ऑन ग्राउंड कर रहा हूं, ठीक है? सो द वैल्यू ऑफ BC ऑन ग्राउंड विल बी AB साइन 5 डिग्री. सो द BC विल बी इक्वल टू AB को हमने L लिया है, लेंथ L हमें पता नहीं फाइंड आउट करना, इनटू साइन 5 डिग्री. ये क्या है? ऑन ग्राउंड है. इसको आपको ऑन पेपर में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट पेपर में फाइंड करना है. तो इसमें आप 20 का डिवाइड कर दीजिए. BC मैक्सिमम कितना है? 0.03. BC मैक्सिमम ठीक है, आपको मिल जाएगा L साइन 5 डिग्री डिवाइड बाय 20. सो आपको मैक्सिमम लेंथ विल बी 20 × 0.03 डिवाइड बाय साइन 5 डिग्री. क्लियर? तो आपको कितना हो गया? तो ये हो गया आपका, आई थिंक यू हैव टू कैलकुलेट, 6.884 मीटर. ठीक है, क्लियर? डोंट बी कंफ्यूज. द प्रॉब्लम इज दैट आपको फील्ड में क्या दिया है, स्केल क्या दिया है, दैट यू हैव टू क्लेरिफाई फर्स्ट. क्लियर? नाउ लुक फॉर द सेकंड क्वेश्चन. यू गाइस विल सॉल्व दिस. टेक योर पेन एंड पेपर. ओके, आई जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन. ओके, you will pause your video for 2 or 3 minutes, then you will solve this. Okay. Check here. The length of the offset is 15 meter and the scale of the